मोदी ने शुक्रवार को दूसरी चुनावी रैली राजस्थान के बाड़मेर में की, जहां उन्होंने कहा कि मुझे नवरात्रि के पावन अवसर पर वीरों की धरती के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। ये जन समर्थन बताता है कि बाड़मेर की जनता बीजेपी को भरपूर जन समर्थन देने का संकल्प ले चुकी है। ये चुनाव दल का नहीं देश का चुनाव है, इसलिए सारा देश कह रहा है 4 जून 400 पार। पीएम मोदी ने कहा कि हमारा संकल्प है कि हम राजस्थान के हर घर तक पानी पहुंचाएं। कांग्रेस के लोग सीमावर्ती गांवों को जानबूझकर विकास से वंचित रखते थे। पीएम मोदी ने कहा कि हम सीमावर्ती गांवों को आखिरी गांव नहीं देश का प्रथम गांव मानते हैं। हमारे लिए देश यहां खत्म नहीं होता है, बल्कि यहां से शुरू होता है। बाड़मेर में 2.25 लाख गरीबों को पक्के आवास का लाभ मिला है। बीजेपी सरकार देश की आखिरी सीमा तक सड़कें और हाईवेज बना रही है। बाड़मेर में मेडिकल कॉलेज भी खोला है। सीमावर्ती बाड़मेर में 72,000 करोड़ रुपए लागत की रिफाइनरी शुरू होने जा रही है। अगर यहाँ कांग्रेस की सरकार नहीं होती तो मेरे दूसरे टर्म में ही मैं यहाँ आकर उद्घाटन कर जाता, लेकिन कांग्रेस ने ऐसी ऐसी रुकावटें डाली, लेकिन मेरे तीसरे टर्म में यहाँ उद्घाटन करने जरूर आऊंगा और तब आपको धन्यवाद भी दूंगा। और सूरवीरों की धरती एक बार फिर आप सबके दर्शन करने का सौभाग्य मिला है। ये वो धरती है जिसके वीरों की कहानियां आज भी सीमा पार खौफ पैदा करती है। जिस रेगिस्तान की गर्मी में अच्छे अच्छों की हिम्मत दम तोड़ देती है, वहां आपके हौसले के सामने गर्मी भी कुछ नहीं कर पाती। ये जन सैलाब, ये जन समर्थन बताता है बाड़मेर की जनता बीजेपी को भरपूर आशीर्वाद देने का संकल्प ले चुकी है। इस चुनाव में आपका एक एक वोट विकसित भारत की नींव मजबूत करेगा। ये चुनाव दल का नहीं देश का चुनाव है। हमारा संकल्प है कि हम राजस्थान के हर घर तक पानी पहुंचाए। साथियों, कांग्रेस की सोच ही विकास विरोधी है। ये लोग देश के सीमावर्ती गांवों को देश के आखिरी गांव कहते हैं। ये लोग सीमावर्ती जिलों को, वहां गांवों को जानबूझकर विकास से वंचित रखते थे। और आप हैरान हो जाएंगे, क्यों रखते थे, क्या तर्क देते थे, ऑफिशियली बताते थे। वो कहते थे